फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीरा का तड़का। आज हम बना रहे हैं फेमस स्ट्रीट फूड डिश पनीर काठी रोल। पनीर काठी रोल बनाने के लिए हमें एक आटा नीड करना है पराठे के लिए। सेकंड स्टेप है पनीर को मैरिनेट करना है और लास्ट स्टेप है एक मीन चटनी बनाएंगे और साइड के कंपोनेंट्स की तैयारी करेंगे। रेसिपी की तैयारी करते हैं, पहले हम आटा नीड करते हैं। पनीर काठी रोल बनाने के लिए पराठा का डो रेडी करना है। उसके लिए एक कप मैदा, एक कप वीट का आटा, एक टेबलस्पून घी और स्वाद अनुसार नमक डाल के सॉफ्ट डो तैयार करना है। डो अपना रेडी हो चुका है और 10 मिनट का हम उसे रेस्ट देते हैं। आटा अच्छी तरह से नीड हो चुका है। आज हम उसके फ्लेकी पराठे मतलब लच्छे पराठे बनाने वाले हैं। जब तक आटा रेस्ट हो रहा है, हम पनीर को मैरिनेट करते हैं। पनीर को मैरिनेट करने के लिए एक बाउल लेते हैं, उसमें 2 टेबलस्पून दही, 3 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक टेस्ट के हिसाब से, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून कसूरी मेथी, 2 टीस्पून नींबू का जूस, 200 ग्राम पनीर लेते हैं और लास्टली 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लेते हैं और सबको अच्छी तरह से मिक्स करके कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। रैप के लिए एक मिंट चटनी बनाते हैं। 1 कप धनिया, आधा कप मिंट लीव्स, 3 हरी मिर्च, आधा टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 2 टीस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून ऑफ शकर, आधा टीस्पून सॉल्ट, 2 क्यूब आइस के। इसे हमें ग्राइंड करना है और एक मिंट चटनी तैयार करनी है। मिंट चटनी अपनी रेडी हो चुकी है। रैप के साथ एक रेलिश जाता है, वो प्याज का होता है। उसके लिए हमें आधा कप प्याज थिनली स्लाइस किया हुआ लेना है, 1 टीस्पून लेमन जूस डालना है, नमक 1/4 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून। मिक्स करके उसे हमें साइड में रखना है। ऑनियन रेलिश रेडी है। मिंट चटनी और ऑनियन रेलिश तैयार हो चुका है। जब तक पनीर मैरिनेट हो रहा है, हम लच्छा पराठा बनाते हैं। 2 कप आटे से हमारे 4 रोल्स रेडी होंगे, तो हमें इसे 4 पोर्शन में डिवाइड करना है। और पतला सा बेलना है, जैसे मैंने बताया, घी लगाना है और उसमें थोड़ा मैदा छिड़कना है और जो मैंने प्लीट्स बताई वैसे रोल करके एक गोला बनाना है, फिर से उसे रोल करना है। दोनों तरफ से सेकना है और लास्टली उसमें घी लगाकर साइड में रखना है। पराठा अपना रेडी। काठी रोल को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने कोल को गैस पे जलाने के लिए रखा है जब तक वो लाल ना हो जाए। कोल बंद हो चुका है। पनीर की फिलिंग बनाने के लिए कढ़ाई को गर्म करना है। उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून बटर डालना है। जैसे ही गर्म हो जाता है, उसे हमें पनीर की मैरिनेशन डालनी है और सॉटे करना है। कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे उसे रोस्ट होने के लिए। बेल पेपर, रेड वाले, ग्रीन शिमला मिर्च और प्याज जो सबको थिनली मैंने चॉप करके रखा है, उसे डालूंगी और 2 मिनट के लिए वापस सॉटे करूंगी। सब सॉटे हो चुका है। इसमें कोल जो हमने बर्न किया है ना, वो रखेंगे ताकि स्मोकी फ्लेवर आ जाए। सारे कंपोनेंट्स अपने रेडी हो चुके हैं। अब काठी रोल को असेंबल करते हैं। पनीर की फिलिंग रेडी हो चुकी है। काठी रोल की असेंबली की तैयारी करते हैं। पहले पराठा लेते हैं, उसमें मिंट चटनी स्प्रेड करते हैं।
जो पनीर की फिलिंग हमने रेडी की है उसे बीच में डालना है और अनियन उसके पीसेस डालने हैं, रेड बेल पेपर, ग्रीन शिमला मिर्च, ऑनियन रेलिश, हरा धनिया और चाट मसाला और पार्चमेंट पेपर के साथ में टाइटली रोल करना है। पनीर काठी रोल अब रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना आसान है घर पे बनाना। और यकीन मानिए, अगर आप घर पे बनाएंगे तो आपको एग्जैक्टली स्ट्रीट स्टाइल फूड का टेस्ट आएगा। ऐसे ही रेसिपी सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल दीरा का तड़का को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।